नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। जिसका पूरी संसद को इंतजार था वो फैसला हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के खिलाफ संसद की कार्यवाही की मांग पर स्पीकर ओम बिरला ने फैसला ले लिया है। दरअसल सभापति की सीट पर बैठी महिला सांसद रमा देवी पर किए आपत्तिजनक कमेंट्स के बाद आजम खान पर चौतरफा हमला बोला जा रहा है और सपा को छोड़कर लगभग सभी दलों के सांसदों ने आजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग संसद में स्पीकर से की थी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी आजम के इस बयान को अशोभनीय बताया है, जबकि निर्दलीय से लेकर सभी महिला सांसदों ने इसे घोर अपमानजनक और नारी के खिलाफ बताते हुए आजम पर स्पीकर से कड़ी कार्रवाई कर मिसाल पेश करने की मांग की थी। और हम चुपचाप बैठकर महोदय मुखदर्शक नहीं बन सकते, मंत्री के नाते नहीं, महिला सांसद के नाते नहीं, आज सांसद के नाते पूरे सदन को मेरी अपील है, ये मैसेज भेजें कि महिला चाहे किसी भी पक्ष की हो, इस सदन का प्रिविलेज मिसयूज नहीं होगा एक महिला का अपमान करने के लिए। महोदय, बाहर पुलिस का संरक्षण है, यहाँ आपका है। मैं अपील करूंगी कि सदन में पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के, जेंडर डिफरेंसेस छोड़ के हमें एक स्वर में बोले, यू कैन नॉट मिसबिहेव विद अ वुमन एंड गेट अवे विद इट बट जस्ट ड्रामेटाइजिंग इट एंड सेइंग मैं रिजाइन कर दूंगा, या आपको गलतफहमी हुई है। लोकसभा में उठी इस मांग के बाद आजम खान पर फैसला करने का हक एथिक्स कमेटी को है, लेकिन चूंकि एथिक्स कमेटी का गठन नहीं हुआ है, इसलिए सभी सांसदों को स्पीकर से आग्रह किया था कि वो ही इस मामले का फैसला करे और आजम खान को सजा सुनाए, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के फ्लोर लीड्स के साथ बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई पार्टियों के नेता शामिल रहे। सबकी राय लेने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आजम खान को अपने शर्मनाक बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। मतलब साफ है कि कल जिस तरह से बिना माफी मांगे आजम खान संसद से चले गए थे, अब उन्हें फिर से संसद में लौटकर रमा देवी से माफी मांगनी पड़ेगी। गौरतलब है कि लोकसभा में गुरुवार को तीन तलाक पर चर्चा के दौरान सदन की अध्यक्षता कर रही बीजेपी सांसद रमा देवी पर आजम खान ने अशोभनीय टिप्पणी की थी। आजम ने कहा था, आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मेरा मन करता है आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं। आजम के इस बयान पर रमा देवी ने भी आपत्ति जताई थी। इसके बाद से संसद में जहाँ आजम के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हंगामा हो रहा है, वहीं बाहर भी लोग आजम पर निशाना साध रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बार बार महिलाओं के खिलाफ बयान देने वाले आजम खान के लिए सिर्फ माफी काफी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।